हेलो गाइस, यू वाचिंग एचवी टीवी यू वाक, क्योंकि जमाना है वी द यंगस्टर्स का एंड वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ सिटी ट्रेंड्स, जिसमें हम आपको बताते हैं सिटी में क्या क्या चल रहा है ट्रेंड में। लेकिन आज का हमारा एपिसोड है कुछ हटके, ना तो ये होम डेकोर के बारे में है, ना तो ये लाइफस्टाइल के बारे में, ये तो है आपकी हेल्थ के बारे में। हम आ चुके हैं यहाँ पे मैराथन में, ह्यूमैनिटी मैराथन में। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि रनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह से आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हमारे कुछ नन्हे नन्हे मैराथन रनर्स हैं, उनसे बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? मुकुल माथुर। तो मुकुल, आप यहाँ पे क्यों आए हो? मैराथन जीतने के लिए आया हूँ। मैराथन जीतने के लिए आए हो, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज तो पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मैं मैराथन अपने ऐसे अपने खेल को बढ़ाने के लिए आया हूँ। आपका नाम क्या है? अभय मित्तल। तो अभी आप कितना दौड़ने वाले, कितने किलोमीटर का है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का आपको लगता है पूरा कर देंगे? यस मैम, मिलके दोनों को ले मिलके दोनों पूरा कर देंगे। अच्छा, और रनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है जो आप इधर पे आए हो? मैडम, रनिंग के बेनिफिट तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है मैडम, और है ना, जो कि हमारा फैट भी लूज होता है, इससे हमें बहुत ही बेनिफिट होता है, और ये हमारे रन फॉर इम्यूनिटी मानवता के लिए। अच्छा, तो इन बच्चों को लगता है इनकी हाइट भी बढ़ेगी रनिंग करने से। तो चलिए और से बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश सेनी है। तो राकेश, आपको सबसे पहले मुझे ये बताइए, रनिंग के बेनिफिट्स क्या है? रनिंग के बेनिफिट्स ये है कि रनिंग लगाने से लंबाई, शारीरिक वृद्धि, विकास होता है लोगों का, और यहाँ पे मतलब शरीर स्वस्थ रहता है, सब कुछ मतलब बेनिफिट्स रहता है इससे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुल्तान है। इनका सुल्तान नाम है भाई, सुल्तान। तो सुल्तान, सबसे पहले बताइए आप कितने किलोमीटर दौड़ सकते हैं? मैं 6 किलोमीटर दौड़। 6 किलोमीटर, ये तो लेकिन 4 या 5 किलोमीटर का मतलब आप जीतने वाले हैं। हां जी, जरूर जीतेंगे। अच्छा, तो आप किस कॉज के लिए यहाँ पे आए हैं? तो बस हेल्थ के लिए आए हैं, मतलब बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आपका नाम क्या है? पूजा चौधरी। पूजा चौधरी इनका नाम है। तो आप मुझे सबसे पहले रनिंग के बेनिफिट्स बताइए। मैं यहाँ पे 4 किलोमीटर आराम से पूरा कर लेंगी। ये आराम से पूरा कर लेंगी? हाँ। अच्छा, किस कॉज के लिए मैराथन ऑर्गेनाइज की गई है? हाइट बढ़ाने के लिए, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है सब देशवासियों की। तो बेसिकली सबको अपनी हाइट बढ़ानी है, हाइट बढ़ाने के लिए आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, अगर आपको अपनी हाइट लंबी करनी है तो भागते रहिए। हमारे साथ एक अर्जुना अवार्डी हैं, तो चलिए बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है, और इस मैराथन के साथ जुड़ने का आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य एक्चुअली, जब जो इन्विटेशन आया मेरे पास, उसके अंदर भारतीय स्वस्थ अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस करके वो चीज़ों को लेकर मैं फंक्शनों में जाता रहता हूँ। मैंने सोचा भी ये बहुत अच्छी बात है कि स्वस्थ अभियान के तहत ये पीएम साहब कर रहे हैं, तो हम लोग भी इसमें अवेयरनेस करें। और जैसे लंदन तो जो 12 पैरालंपिक टीमों का मैं कैप्टन था इंडियन टीम का, एशियन गेम्स ग्वांगजू चाइना मेरा गोल्ड था, 2010 में अर्जुन अवार्ड मिला, तो एक मोटिवेट मिलता है बच्चों को हमारे आने से कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश के अंदर यदि बेटी बढ़ेगी आगे और देश तरक्की करेगा। सर, बेसिकली कोई भी मैसेज दिया जाता है तो रनिंग के उससे दिया जाता है, मैराथन ऑर्गेनाइज की जाती है, तो रनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जो इसे चूज किया जाता है? तो रनिंग के इसके साथ जो स्वस्थ रनिंग के लिए हर आदमी को अपनी फिटनेस के लिए आज बहुत बड़ा मुद्दा है कि फिटनेस का, उसके लिए एक रनिंग के थ्रू ही बहुत सारे लोग हैं जो सुबह वॉकिंग करने नहीं जाते हैं, जब यहाँ आएंगे देखेंगे तो उसमें उनको एक अवेयरनेस आएगी और वो रनिंग के लिए करेंगे, कल को स्वस्थ रहने के लिए। जब इंसान स्वस्थ रहेगा तो बाहर स्वस्थ होगा। मेरा नाम ऋषभ गुलेनिया है, और हम लोग मैराथन इसलिए ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं क्योंकि रनिंग आजकल सबसे हेल्दी स्पोर्ट्स माना जाता है, और आजकल रनिंग को सब भूल गए हैं क्योंकि इतने मोटर व्हीकल्स आ गए हैं, तो रनिंग कोई करना नहीं चाहता, और रनिंग के थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं, इससे हम फिट एंड फाइन रहेंगे और हेल्दी रहेंगे,
इस कारण हम लोगों ने मैराथन ऑर्गेनाइज करवाई है और सोशल कॉज के लिए इसलिए करवाई है। आजकल हर कोई कमर्शियल कॉज को लेके मैराथन करता है, इसलिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हेल्थ मिशन को लेके ये मैराथन करवाई है, स्वच्छ भारत को लेके, ताकि लोग जागरूक हो और इस बारे में सोचें और अच्छा काम करें। तो चलिए बात करते हैं कुछ और दोस्तों। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश जांगिड़े। तो दिनेश, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? दौड़ने आए। दौड़ने आए हैं, मुझे तो लगा मस्ती करने आए हैं। अंकित। अंकित, सबसे पहले मुझे बताए रनिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? हेल्दी बनाए एक तो आपको, दूसरी बात कैश प्राइज भी मिलेगा। ओहो, तो मतलब मेन टारगेट कैश प्राइज है। आपका नाम क्या है? गुरदीप। गुरदीप, आप तो भाई सरदार जी हैं। तो गुरु, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा शो सुनिए आज शाम 5 बजे। अच्छा, तो आप कितने किलोमीटर तक दौड़ने वाले हैं? जहाँ एंड लाइन आ जाए। जहाँ एंड लाइन आ जाए, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं रनिंग के? हेल्दी बनाता है, ठीक है, और जो एकदम फिट रहते हैं अपन उससे, और मेन मोटिव हमारा कैश प्राइज है। मैं तो रोज 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। अच्छा, तो भाई यहाँ तो कैश प्राइज के पीछे सब पड़े हुए हैं, रनिंग के इनको बेनिफिट ज्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते हैं। आपका नाम क्या है? साक्षी। साक्षी, आप यहाँ क्यों आए हैं? दौड़ने के लिए, मस्ती करने के लिए। दौड़ने के लिए, मस्ती करने के लिए। मैराथन का एक उद्देश्य, एक मैसेज देना चाहते हैं। फॉर ह्यूमैनिटी। यस, वेरी ट्रू, दैट इज मैन फॉर ह्यूमैनिटी। आपका नाम? आशिमा। आशिमा, कितने किलोमीटर से दौड़ सकती हैं आप? जहाँ डेडलाइन है। अच्छा, और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं रनिंग के? फॉर बीइंग हेल्दी, और बस हेल्थ के लिए ही। सिर्फ हेल्थ के लिए? वैसे मैंने पहले सुना था कि हाइट बढ़ने के लिए रनिंग इम्पोर्टेंट होती है, यहाँ पे हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, किसको पता है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी हमें मुक्ति मिल सकती है रनिंग से? चलिए बात करते हैं अब आगे लोगों से। आपका नाम क्या है? दिनेश। दिनेश नाम है, ये मुझे बोल रहे थे हाँ हाँ डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है, तो बताइए कैसे मिलती है? मैम, जैसे अपने को डिप्रेशन होता है मतलब किसी भी चीज का, जैसे हाँ भाई मेरी मतलब वो सगाई होगी, वो क्या मतलब घर वाले ब्याह करेंगे, मतलब मेरी नहीं हुई, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, मतलब रनिंग करने से दुख दूर होता है। आपका नाम क्या है? कमलेश जांगिड़। कमलेश, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? दौड़ने के लिए और मस्ती करने के लिए और सगाई से डिप्रेशन पाने के लिए। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि डिप्रेशन चला जाता है रनिंग करने से, तो रेगुलर रन कीजिए डिप्रेशन को भगाने के लिए। दीक्षा, मुझे ये बताइए आप इस मैराथन में शामिल, आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा। सिर्फ मैराथन में रनिंग के लिए आए हो या मस्ती वस्ती भी करनी है? तो चलिए, यहाँ तो मस्ती प्लस रनिंग हो रही है, मतलब हेल्थ प्लस रनिंग हो रही है। और आपका नाम क्या है? जिया। जिया, आप इस मैराथन में शामिल है, कितने किलोमीटर का है ये? 4 किलोमीटर। आपको लगता है पूरा कर दोगे? यस यस, स्पिरिट इज हाई। ये हमारी छोटी सी दोस्त है, आपका नाम क्या है? पारल। पारल,
जगदलपुर और असल तो बहुत ही प्यारी है, तो ये इतनी लंबी 4 to 5 kilometers की लेन है, आप पूरी कर दोगे? Yes. और प्राइज मनी जीतोगे? Yes. Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आप करते हैं? नेहा, नेहा, नेहा मुझे सबसे पहले बताइए रनिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? हेल्थ सही रहती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हेल्थ सही रहती है, रनिंग के इम्पोर्टेंट? बॉडी पूरी सही रहती है, एकदम स्ट्रेच। वेरी नाइस, मतलब हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रनिंग। अच्छा, ये मैराथन किस मैसेज के लिए हो रही है? फॉर आवर हेल्थ, इट्स बेसिकली फॉर ह्यूमैनिटी। आपका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे खड़ी है, सबसे आगे आगे खड़ी है ये, तो कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम मैराथन में दौड़ रहे हैं मतलब। और रनिंग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? फॉर योर हेल्थ। तो भाई आपने जान लिया कि रनिंग इज रियल इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ। गाइस ये तो थी ह्यूमैनिटी मैराथन, जिसमें हमने आपको गिनाए बहुत सारे बेनिफिट्स रनिंग के, और व्हेन इट्स अबाउट अ कॉज ह्यूमैनिटी मैराथन तो ये और भी अच्छा होता है। लेकिन जाते जाते मैं आपको और भी बेनिफिट्स बता देती हूँ, जैसे कि रनिंग इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, आप अगर डिप्रेशन में हो तो आप रन कीजिए और आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। स्ट्रेस्ड हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, तो फ्यू मिनट्स की रनिंग और बस सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। और अगर आप वुमेन है, वुमेन की बात की जाए, तो अगर आप रनिंग करते हैं रेगुलरली तो आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। तो ये तो थे सारे बेनिफिट्स ऑफ रनिंग। अब आप भागते रहिए, हेल्दी रहिए और हमें दीजिए इजाज़त।